असलमैक वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल वेलकम टू अ न्यू वीडियो एज़ वेल आप सब लोग कैसे हैं तो आ और उम्मीद करते हैं इन आप सब लोग ठीक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ हाँ जी तो प्लान तो हमारा काफ़ी दिनों से बन रहा था बड़े टाइम से बन रहा था और कैंसिल हो रहा था बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मसरूफियात चलती हैं भाई और यूजुअली भी बच्चों की स्कूल्स की तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो वकीशंस काफ़ी जगहों पर ख़त्म भी हो चुकी हैं और जहाँ पर नहीं है तो भाई वो भी एंडिंग होने जा रही हैं बट जो गर्मियाँ हैं वो तो एंडिंग उनका कोई पॉइंट लग ही नहीं रहा मूड लग ही नहीं रहा गर्मियों के एंड होने का हमने सोचा चले हम ही कुछ चेंज कर लेते हैं वैसे भी हर किसी को चेंज चाहिए हर बंदा अपनी इस बिज़ी रूटीन से ना थोड़ा सा चेंज चाहिए ही चाहता है सो so, मैं आई हूँ गीगा मॉल ये क्लिप तो मेरा एक दो दिन पहले का है मैंने इसे भी ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दूसरे सिटीज़ के भी लोग हैं ना इस मॉल को विज़िट करने ज़रूर आते हैं एज़ अ टूरिस्ट वैसे पर्सनली मैं बताऊँ मुझे गीगा मॉल के एंट्रेंस और गीगा मॉल की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद बिकॉज़ इसके साथ बन रहा है ट्विन मॉल इसका तो नाव डेज एक तो पार्किंग का बड़ा इशू बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की इसकी पार्किंग है बेसमेंट में इसकी पार्किंग अच्छी है अगर मिल जाए तो और सेकंड ये कि ये हमारे से काफ़ी ज़्यादा टाइम पर पड़ता है ट्रैवल करना पड़ता है इस तक आने के लिए मगर है बहुत अच्छा खूबसूरत सेंटो सफ़ा घोड़ी की तरह का ही है काफ़ी बड़ा है जाहिर सी बात है इसके साथ अब इसका ट्विन टावर मॉल भी बन रहा है तो बस हमने यहाँ से अपने ट्रैवल का स्टार्ट लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू इंजॉय सम टाइम विद देयर फैमिली सो बस हम भी इसी तरह से इसी मोड में निकलते हैं वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है माशाल्लाह से उन्हें ट्रैवल करना उन्हें टूर करना बहुत पसंद है वो हर नई से नई जगह को विज़िट करते हैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उनमें ये चीज़ है अच्छा मैं कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं शौकीन लेकिन हर जगह बस उनके साथ ज़रूर साथ देती हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है ट्रैवल करना आ, टूर करना मुझे भी बहुत पसंद है मुझे भी चेंज चाहिए होता है हर इंसान का चेंज चाहिए होता है किसी ना किसी हद तक लेकिन बस उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो बस अलहमदुल्ला ज़ाहरी सी बात है हस्बैंड के साथ ही हम सब की लाइफ है भाई मैरिड लेडी की लाइफ तो हस्बैंड के बगैर कुछ भी नहीं है ज़ाहरी सी बात है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर अगर आपको मिलता है ना तो वो आपके साथ आपके ऊपर अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है इससे बड़ी ब्लेसिंग आपकी और कोई नहीं हो सकती सो मेरी जितनी बहनें इस वक्त मेरा वीडियो देख रही हैं तो वो ज़रूर मेरी इस बात से ग्री करेंगी तो अल्लाह पाक हर किसी के सरों पे उनके हस्बैंड का साया जो है सलामत रखे मेरे हस्बैंड को भी अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती के साथ साथ सलामत रखे कायम ज़ायम रखे आमीन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बड़े केयरिंग हैं बड़े लविंग हैं जब भी उनको टाइम मिलता है तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं अपनी रूटीन को और जाहिर बात है उन्हें भी चेंज चाहिए होता है हर बंदा जो है ना अपनी डेली बिजी लाइफ से बहुत ज़्यादा ओब जाता है तंग हो जाता है हम इंसान हैं एज ह्यूमन बींग भी एक जगह पर रह रह कर इंसान तंग हो जाता है थक जाता है थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन चाहिए होती है थोड़ा सा आ, फ्री माइंड के लिए हमें एक से दूसरी जगह ट्रैवल करने से भी ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बस यही चीज़ होती है हर बंदा इसी कोशिश में होता है और जहाँ तक रही बात गर्मियों में वेकेशंस की एंड दैट तो ऐसे जैसा हमारा कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं होता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे जो विंटर में स्नोफॉल देखने के लिए निकलते हैं गलियात की साइड पर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि निकलते हैं गलियात को विज़िट करने गर्मियों में बिकॉज उन्हें ठंड चाहिए होती है तो ठंड की जो बात है ना वो तो आपको गलियात में मिलेगी मेजॉरिटी हमारे यहाँ के लोग यही समझते हैं कि मरी ठंडा है भाई मरी कहीं से भी ठंडा नहीं है और क्योंकि मेरे तो बिल्कुल करीब पड़ता है बट हम बिल्कुल नहीं कभी भी वहाँ हमने स्टे नहीं किया जाते ज़रूर है विजिट करते हैं टूर करते हैं ट्रैवल करते हैं बट मरी में कभी स्टे नहीं किया मरी ठंडा नहीं है आपको अगर ठंडक चाहिए सर्दियाँ फ़ील करना चाहते हैं जून जुलाई अगस्त में तो वह आपको गलियात में मिलेगी आपको मरी से आगे ही जाना पड़ेगा सो हमारा भी जनाब यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद टूवर्ड्स मरी और फिर मरी से आगे ही हमने जाना होता है तो बहुत अच्छा रहा अलहमदिल्ला का एहसान बहुत अच्छा खैरवाफियत का ट्रैवल रहा लेकिन आपको मैं यही आइडिया दूंगी कि अगर आपको इतना ज़्यादा आगे का गलियात का ट्रैवल करना हो तो मेन बेसिक्स चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें अपने साथरूर रखें स्वेटर जैकेट शॉल्स वगैरह का ज़रूर इंतज़ाम करें मरी में इनकी ज़रूरत नहीं होती है मरी में सिर्फ़ रात को मिडनाइट तक होती है खून की उसके अलावा मरी में सर्दी नहीं होती बहुत सारे लोग जो न्यूली जाते हैं पंजाब साइड से या सिंध साइड से उनका फ़र्स्ट टाइम होता है तो उनको ये इतना आइडिया नहीं होता वो समझते हैं मरी में बहुत ठंड होगी और बहुत सर्दी की वजह से वो बेचारे बहुत सारा सामान अपने साथ ओवरलोड कर लेते हैं बट ये चीज़ ज़रूर है कि गलियात में जाते हुए ना थोड़ा सा डेंजरस है ट्रैवल करना आगे की तरफ तो कोशिश करें कि बेसिक्स जो हैं आपके सामान में जो आपकी ज़रूरत का है वो साथ में रखें और दूसरा आपकी कन्वेंस जो आपकी गाड़ी है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी डेंजरस टर्न्स हैं मोड़े हैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा डेंजरस है और आपको काफ़ी टाइम लगता है जो लोग कहते हैं ना भाई मरी तो इस्लामाबाद से दो घंटे की ड्राइव पर है ऐसा कुछ नहीं है लोग झूठ बोलते हैं अगर आप इस्लामाबाद से मरी के लिए निकलते हैं तो तीन से साढ़े तीन घंटे कहीं नहीं जाते माइलेज काफ़ी कम है नो डाउट लेकिन ये जो मोड़ें आती हैं और जो आपको माउंटेंस क्रॉस करने पड़ते हैं ना तो उस पे टाइम लगता है आपका माइलेज का इशू नहीं है माइलेज काफ़ी कम है नो डाउट मगर आपको ट्रैवल में इसलिए टाइम लगता है कि मोड़े काफ़ी ख़तरनाक हैं डेंजरस हैं बड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है और ऐसी जगहों पर आपको ड्राइव करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए भाई दो चार छः दिन का ड्राइवर यहाँ नहीं चल सकता <laughs> तो बस इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखा करें मैं जस्ट फॉर आइडिया आपको ये चीज़ें शेयर करी हूं। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो सुन सुना के देख देख के जाते हैं ट्रैवल करते हैं शौक़ होता है सभी का तो मैंने सोचा चलिए जो मेरी बहनें देखती हैं मेरा वीडियो और शायद उनको मेरी कोई एक यहाँ से जो बात है उनके लिए फ़ायदा मंद हो यूज़फुल हो तो गलियात का जो ट्रैवल होता है बड़ा डेंजरस लेकिन बहुत ब्यूटी है बहुत ब्यूटी है खूबसूरत जो है ना हमारा मुल्क तो वैसे ही है ब्यूटीफुल है हमारा पूरा पाकिस्तान ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान के थोड़े से कैप्चर किए हैं क्लिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ इसी वीडियो पे वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा अच्छा जी शायद मैं ये एक दो तो दिन पहले वाला क्लिप गीगा मॉल का ऐड किया था मैंने तो ये कारफ़ोर है यहाँ पर मैं बहुत ही कम जाती हूँ लेकिन अगर जाती हूँ तो इसकी ग्रोसरी का जो मुझे होता है सेटअप वो बड़ा पसंद है लेकिन ट्रैवल बहुत है यहाँ से फिर आपको अगर ग्रॉसरी करनी है तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स मिलती हैं अच्छी से अच्छी चीज़ भी अवेलेबल है चीप से चीप चीज़ भी अवेलेबल है और आ, लेकिन ये है ऑफ़र्स बड़ी अच्छी होती हैं आपको ग्रॉसरी ऑफ़र बड़ी अच्छी मिल जाती है स्पेशली इन रमज़ान ईद ऑफर्स भी काफ़ी होती हैं कार फोर का ये सेक्शन है कीगा मॉल में तो बहुत अच्छा यहाँ से अगर आपको ग्रोसरी करनी है भाई तो आप कर सकते हैं ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ़ व्यू से अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर और इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं लाइक सेंटोरस और सफ़ा गोल्ड की तरह इसमें भी बहुत सारे सभी ब्रांड्स हैं तकरीबन शॉपिंग के पॉइंट ऑफ़ व्यू से भी बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि भाई यहाँ से आप कभी भी इस तरह की ये जो फर्दर शॉपिंग है ना ना कीजिए बिकॉज़ ये देखिए जैसे रग्स आपको मैं ये यह यहाँ पर शो करवा रही हूँ ना ये आपको अपनी लोकल मार्केट्स में अपने लोकल बाजारों में भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं सेम टू सेम सेम टू सेम मिल जाते हैं बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस के साथ लेकिन मॉल्स में जारी बात है विद टैक्स और विद इनके जितने चार्जेस होते हैं ना शो ऑफ करने के डेकोरेशन करने के उनके साथ आपको मिलता है बहुत टू मच एक्सपेंसिव चार्जेस के साथ तो कभी भी मेरा यही आइडिया है आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप कभी भी ऐसे मॉल से इस तरह की शॉपिंग ना करें लाइक uh, like अगर आपको होम डेकोर के आइटम चाहिए तो आप अपने लोकल मार्केट को ज़रूर सबसे पहले विज़िट कर लें मॉल में से कोई भी आप uh, मत परचेस करें इनकी जो प्राइस होती हैं बहुत ही इनक्रीज़ होती हैं और इसके अलावा ठीक है शौक़ है कोई ना कोई चीज़ हम भी जैसे ले ही लेते हैं हाँ सॉवनीयर्स हैं वो बाय करनी चाहिए सॉवनीयर्स होती हैं हर जगह की जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं किसी भी सिटी का जैसे हम भी किसी सिटी का किसी कंट्री का फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो हमें भी शौक होता है सॉफ्टवेयर हम बाई करते हैं शॉपिंग करते हैं लेकिन एज अ कॉमन पीपल आपको यही मैं एडवाइस करूँगी कि मॉल से कभी भी इस तरह के आइटम्स आप ना ख़रीदें जाहिर सी बात है हर लेडी जो हाउस होल्ड करती है ना तो उसका यही होता है मेन पॉइंट कि भाई रीज़नेबल चीज़ हो अच्छी भी हो क्वालिटी में भी और आ, मतलब ड्यूरेबल भी हो प्राइस वाइज भी अच्छी हो बजट भी ज़्यादा इफेक्ट ना करे तो इस वजह से मैं ये बात शेयर कर रही हूँ अच्छा ये क्यू टी सी जो आप देख रही हैं ना सैंडल 17,000 थाउजेंड है, 17 है जनाब इसकी प्राइस और ज़ाहरी बात है ये इंपोर्टेड ब्रांड है मेरी नीस मुझे हर जगह नज़र आती है तो बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना बस ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं तो ये बिल्कुल आ, इसका वेट नहीं था आ, इसका कलर भी कोई इतना खास नहीं था भाई इसका जो खास था ना बस वो इसकी सिर्फ प्राइस थी नथिंग एल्स एनी और कुछ स्लीपिंग सूट्स थे आजकल बड़ी अच्छी सेल्स लगी हुई हैं सभी ब्रांड्स पर इम्पोर्टेड ब्रांड्स पर भी सेल लगी हुई हैं तो क्योंकि ट्राउज़र्स और स्लिप्स वग़ैरह जो होती हैं काफ़ी काम आ जाती हैं और ट्रैवल के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो मेरी बस ऐसी आदत है नई कुछ ना कुछ मैं ख़रीदती ज़रूर हूँ सो मैंने इसी आ, सोच से ये विज़िट किया था और अच्छा कहीं भी मैं जाती हूँ किसी भी मॉल में तो सबसे फेवरेट जो मेरा आइटम होता है वो स्वीट कॉर्नस होते हैं अच्छा हर जगह के स्वीट कॉर्नस का टेस्ट एक जैसा नहीं होता डिफरेंट होता है अब गीगा का अलग है कारफोर का अलग है सेंटोरस सफ़क गर्ल्ड का अलग अलग है इसी तरह पेशावर में जो डीन्स हैं उनका अलग है तो हर जगह का ना अपना अपना टेस्ट होता है हाँ जी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा ट्रैवल और आप देख सकते हैं मैं यहाँ आपको शो और शेयर तो करवा सकती हूँ लेकिन आपको फ़ील नहीं करवा सकती आपको लग रहा होगा स्क्रीन पर जैसे ये फोग है ठीक है ये फोग नहीं थी ये क्लाउड्स हैं बादल हैं और हम बादलों में खड़े थे और बिल्कुल भीग गए थे बिकॉज बादल जो होते हैं सारी सी बात है वो पानी से भरे हुए होते हैं और जो फोग होती है वो लाइक ठंडी फुहार सी हल्की हल्की बारिश टाइप की जो ओस टाइप होती है ना वैसी होती है और अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसमें आपको जो फोग है वो फील होती है और अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये फोग होती तो ये जो हमारा फ्रंट मिरर है ये सारे का सारा फोगी होता ठीक है ना तो ये क्योंकि क्लाउड्स हैं और जैसे ही आप क्लाउड्स से गुजरती हैं तो आप गीले हो जाते हैं क्योंकि वो पानी से भरे हुए होते हैं और बहुत ही हैवी आपको फ़ील होता है कि आपको कोई हैवी सी चीज़ टच करके गई है हाँ जी तो ये जो आप मखलूक देख रहे हैं ये सुबह सुबह आपको मरी टवर्ड्स गलियात तक ज़रूर मिलती है सुबह सुबह ना ये हर आपको जगह पर मिलेंगे लाइक like, रिजॉर्ट है कॉटेज है गेस्ट हाउस है आप पर हमला ज़रूर करते जहाँ भी आपका स्टे हो तो ये सुबह का वक्त था और मतलब ये आ जाते हैं अंदर आ जाते हैं अगर आपने अपने रूम्स को सिक्योरली केयरफुली क्लोज़ नहीं किया हुआ तो ये फिर अंदर भी आ जाते हैं और ये ऐसा जानवर है जो बहुत ही तंग करने वाला जानवर है भाई अक्सर बच्चे साथ होते हैं तो वो छेड़खानी करते हैं वो फूड इनको शेयर करते हैं तो फिर उसके बाद ये बहुत तंग करते हैं फिर ये नहीं जाते ये फिर अटैक करते हैं सो तो बी केयरफुल अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चों को तो बिल्कुल भी इनके करीब ना जाने दें ये फिर झुंड के झुंड के बनकर ना ये अटैक करते हैं तो ये इन्होंने भी सुबह सुबह हमला करना होता है मेरा हमारा मतलब स्टे जितना भी था इन्होंने रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग गेस्ट हाउस पे हमला किया लेकिन ये अपना इनका एक रूट होता है ये फ़ूड की सर्च में आते हैं फूड मिल जाए ठीक है ना मिले तो ये वापस चले जाते हैं हाँ जी तो अब आप फील करते जाएं कितनी ब्यूटी है कितनी ब्यूटी है ख़ुद ब खुद इंसान से निकलता है मुँह से सुबहान अल्लाह अल्ला पाक हर जगह पर अपना वजूद शो करता है फ़ील करवाता है कि मैं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्यूटी है बहुत ब्यूटी है मैं यहाँ आपको फ़ील नहीं करवा सकती कि क्या विजन होता है क्या व्यू होता है जो लोग खुद से जाते हैं वो फील कर सकते हैं तो यही चीज़ होती है जो हम थोड़ा सा अपने लिए चेंज चाहते हैं और चेंज के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा फटीक उठानी पड़ती है सो ये हैं खूबसूरत से व्यूज़ और बहुत अच्छा ट्रैवल रहा बहुत खूबसूरत रहा टाइम टेकिंग है ये नहीं है कि टाइम नहीं लगता टाइम भाई बहुत लगता है गलिया तक जाने में जैसा आपको मैंने अभी काफ़ी डिटेल से शेयर भी कर दिया है तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखिएगा आज आपको मैंने कुछ जो मेरे पास क्लिप अवेलेबल थे वो मैंने थोड़े बहुत आपको शेयर कर दिए हैं खूबसूरत बहुत है हमारा मुल्क बस किसी खूबसूरत इंसान के हाथ लगने की देर है अल्लाह ताला सबके लिए खैर वाफियत के मामले करे और आप ये चेक करते जाएं कि कितनी ज़बरदस्त है यहाँ खड़े खड़े ही जो है ना रेन स्टार्ट हो गई थी उसके बाद झाला तो हमें वापस गाड़ी में बैठना पड़ा क्योंकि हम आए थे लंच के लिए और लंच के लिए डिनर के लिए जाहिर सी बात है हमें निकलना पड़ता है ज़ाहिर है जब इंसान ट्रैवल करता है टूर करता है तो इसी चीज़ का तो मज़ा होता है कि व्यूज़ इंसान देखे थोड़ा सा सर्च करता हुआ जाए थोड़ा सा इंजॉय करता हुआ जाए तो बस इसलिए ना हमें फिर अपने रिज़ॉर्ट से अपने पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है और उसके लिए आपके पास कन्वेंस का ज़बरदस्त होना परफेक्ट होना सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट इशू जो होता है ना वो इसी चीज़ का होता है कि आपके पास ड्राइविंग का जो कन्वेंस है सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए तो उम्मीद करती हूँ मेरी काफ़ी सारी बातों से बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना वो क्लिक करेंगी और उनके लिए यूज़फुल होंगी तो आज का बस व्लॉग में ये करती हूँ यहीं एंड इंशाल्लाह दूसरे किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी और टाइम आप देखते हुए जाएं क्या टाइम है यहाँ हो गई थी ज़बरदस्त किस्म की बारिश स्टार्ट इसके बाद झाला बारिश स्टार्ट हो गई थी तो चलिए जी वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह स्टे स्टेट इन माय चैनल नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय